हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ अमृतसरी चिकन ग्रेवी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चिकन को 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। अब मैरिनेट करने के प्रोसेस पर चलते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप दही, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और स्वाद अनुसार आप ले लीजिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसको अच्छे से मिक्स करके हमें 2 से 3 घंटा के लिए छोड़ देना है। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज प्याज को बारीक चॉप कर दिया है। इसमें 2 मीडियम साइज टमाटर भी जाएगा, उसको भी चॉप कर लेना है। अब एक जार में 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची डालकर इसको अच्छे से पीस कर इसका पाउडर बना देंगे। अब एक कढ़ाई में मैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सरसों तेल डाल रही हूँ। इसमें मैं 1 बटर का क्यूब भी डाल दूँगी। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 हरी मिर्च बीच से काट के डाल दूंगी। उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज को डाल देना है। प्याज को 5 मिनट भूनने के बाद मैं उसमें जो मसाला तैयार की हुई थी उसको ऐड कर दूंगी। उसके साथ ही 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी डालकर अच्छे से 5 मिनट तक भूनूंगी। मसाला को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो गया है। अब मसाले का अच्छा सा खुशबू आने लगा है। इस टाइम पर हम टमाटर ऐड कर देंगे। तक को हमें ढककर तब तक पकाना है जब तक टमाटर हमारा अच्छे से गल नहीं जाता। टाइम पे आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं, वो टमाटर को गलने में मदद करेगा। लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं मैरिनेट करते समय ही अच्छे से डाल चुकी थी। जब टमाटर गल जाएगा तब मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से चलाते रहना है, सारे मसालों में इसको मिक्स कर देना है अच्छे से। 5 से 6 मिनट तक चलाने के बाद मैं इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी ऐड करके इसे ढक कर पकाऊंगी। चिकन को पकाते हुए 15 से 20 मिनट हो चुका है। चिकन यहाँ पर अच्छे से पक चुका है। लास्ट में मैं इसमें बटर डाल दूंगी और धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी।